असल डे स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक थ्योरम है लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो एक्स प्लस ए होल स्क्र रूट माइनस ए स्क्र रूट ओवर एक्स इज इक्वल टू वन ओवर टू ए स्क्र रूट तो यहाँ से हमने लेफ्ट हैंड साइड ली लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद जब हम एक्स की जगह ज़ीरो रिप्लेस करेंगे यहाँ पे तो जीरो प्लस ए स्क्र रूट माइनस ए स्क्वेयर रूट तो ये जीरो आ जाएगा ओवर एक्स की जगह ज़ीरो तो ये जीरो ओवर जीरो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है तो ये याद रखिएगा जब भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म आती है तो हम क्या करते हैं वो डिफरेंट मेथड्स हैं डिवीजन रैशनलाइजेशन या फिर फैक्टराइजेशन तो यहाँ से इसको रैशनलाइज करेंगे तो रैशनलाइज करते हुए हम एक्स प्लस ए स्क्र रूट प्लस ए स्क्र रूट से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और एक्स प्लस ए स्क्र रूट प्लस ए स्क्यर रूट से डिवाइड भी कर देते हैं दरम्यान वाला साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड यहाँ से लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो अब देखें न्यूमिरेटर को न्यूमीरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी तो ये बनेगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्र और यहाँ से ये स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसल स्क् स्क्र रूट कैंसल नीचे एक्स इंटू एक्स प्लस ए स्क्र रूट प्लस ए स्क्र रूट बचेगा यहाँ से देखें यहाँ से क्या आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो एक्स प्लस ए यहाँ से बचेगा माइनस ये ए बचेगा ओवर एक्स इन टू एक्स प्लस ए स्क्र रूट और प्लस ए स्क्र रूट यहाँ से ए से ए कैंसिल कर दें बाकी बचेगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एक्स ओवर एक्स इंटू एक्स प्लस ए स्क्र रूट प्लस ए स्क्र रूट यहाँ से एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा अब हम इसमें लिमिट अप्लाई कर देंगे तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट क्या है एक्स अप्रोचेस टू जीरो मीन जहाँ पे एक्स है वहाँ पे जीरो रिप्लेस कर देंगे तो ये एक्स है इसकी जगह जीरो जीरो प्लस ए प्लस ए स्क्र रूट और यहाँ से वन ओवर ए स्क्वेयर रूट प्लस ये ए स्क्यर रूट तो वन ओवर ए स्क्वेयर रूट प्लस ए स्क्र रूट तो ये टू टाइम्स ए स्क्वेयर रूट आ जाएगा तो देखें यही आपकी राइट हैंड साइड है यही हमें प्रूव करना था तो देखें लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एक्स प्लस ए स्क्र रूट माइनस ए स्क्वेयर रूट ओवर एक्स ये किसके इक्वल होता है वन ओवर टू ए स्क्वेयर रूट ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है यही प्रूफ करना था इसमें अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स हम एक थ्योरम डिस्कस करते हैं लिमिट का थ्योरम है जी प्रूव दैट लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी वन प्लस वन ओवर एन रेस टू पावर एन इज इक्वल टू ई अब इसका रिजल्ट हमें ई e लाना है तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें लगानी पड़ेगी बाइनोमियल सीरीज़ अब बाइनोमियल सीरीज़ क्या है वन प्लस एक्स रेस टू पावर एन जब इस पे बाइनोमियल सीरीज़ लगाएंगे तो ये आता है वन प्लस एन एक्स प्लस एन एन टू एन माइनस वन ओवर टू फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एन एन टू एन माइनस वन एन टू एन माइनस टू ओवर यहाँ पे थ्री फैक्टोरियल एक्स क्यूब एंड सो ऑन तो यही बाइनोमियल सीरीज़ हम ऊपर लगाएंगे तो हम थ्योरम में लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड है जी लिमिट एन अप्रोचेस टू इनफिनिटी वन प्लस वन ओवर एन रेज टू पावर एन अब यहाँ से हम लगाते हैं बाइनोमियल सीरीज तो देखें वन प्लस एन एक्स एन एक्स ये एन है और ये एक्स है एन एक्स प्लस एन एन माइनस वन ओवर टू फैक्टोरियल और एक्स का स्क्वायर एक्स की जगह ये वन ओवर एन आया इसका स्क्वायर प्लस एन एन माइनस वन एन माइनस टू ओवर थ्री फैक्टोरियल और यहाँ से एक्स क्यूब एक्स की जगह वन ओवर एन है तो इसका क्यूब एंड सो ऑन अब देखें यहाँ से ये कैंसल तो क्या बचेगा वन प्लस यहाँ से भी वन बचेगा प्लस मैं क्या करता हूँ यहाँ से एन कॉमन लेता हूँ जब एन कॉमन लूँगा तो इस एन से मल्टीप्लाई होगा एन स्क्वेयर अब देखें ये एन कॉमन लिया है, तो यहाँ वन बचेगा यहाँ पे एन नहीं है तो इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा और टू का फैक्टोरियल कितना होता है टू और यहाँ से वन ओवर एन स्क्वेयर प्लस यहाँ से एन कॉमन लेंगे यहाँ से एन कॉमन लेंगे एक यहाँ से एन कॉमन लिया एक यहाँ से एन कॉमन लिया और एक एन ये है तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एन क्यूब अब जब यहाँ से एन कॉमन लेंगे तो वन माइनस वन ओवर एन और जब यहाँ से एन कॉमन लेंगे तो वन माइनस टू ओवर एन और थ्री का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा सिक्स और यहाँ से आपके पास वन ओवर एन क्यूब एंड सो ऑन एन क्यूब से एन क्यूब कैंसिल कर देंगे एन स्क्र से एन स्क्र कैंसिल कर देंगे अब यहाँ से वन प्लस वन क्या हो जाएगा टू प्लस यहाँ से वन माइनस वन ओवर एन और वन ओवर टू का फैक्टोरियल टू आ जाएगा प्लस वन माइनस वन ओवर एन वन माइनस टू ओवर एन और थ्री का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा सिक्स एंड सो ऑन अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे लिमिट एन अप्रोचेस टू इनफिनिटी, ज़ीरो प्लस वन माइनस वन ओवर एन इन टू वन ओवर टू प्लस वन माइनस वन ओवर एन इन टू वन माइनस टू ओवर एन इन टू वन ओवर सिक्स प्लस सो ऑन अब यहाँ पे ये ये तो टू है क्योंकि ये टू था अब इसके साथ तो हम लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे ये टू तो एज इट इज़ आगे जहाँ जहाँ आपको एन नज़र आ रहा है वहाँ पे लिमिट इन्फिनिटी अप्रोच कर दें तो वन माइनस वन ओवर एन की जगह इन्फिनिटी एन टू वन ओवर टू प्लस वन माइनस वन ओवर इन्फिनिटी इन टू वन माइनस टू ओवर इन्फिनिटी और वन बाई सिक्स एंड सो ऑन अब यहाँ से देखें ये टू प्लस वन माइनस समथिंग ओवर इन्फिनिटी जीरो होता है और यहाँ से वन ओवर टू प्लस यहाँ से वन माइनस समथिंग ओवर इन्फिनिटी जीरो वन माइनस समथिंग ओवर इन्फिनिटी जीरो और वन बाई सिक्स एंड सो ऑन यहाँ से टू प्लस वन माइनस ज़ीरो वन वन इंटू वन बाई टू आ जाएगा प्लस वन माइनस जीरो वन वन माइनस जीरो वन वन इंटू वन 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 इंटू वन बाई सिक्स तो वन बाई सिक्स आ जाएगा एंड सो वन और यहाँ से जब हम इनको लिखेंगे तो ये टू वन ओवर टू होता है जीरो पॉइंट फाइव और वन ओवर सिक्स होता है जीरो पॉइंट सिक्सटीन सो ऑन प्लस सो ऑन और ये अप्रोक्सीमेट इक्वल करके लिखेंगे तो ये टू पॉइंट सेवन वन आ जाएगा जो कि वैल्यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ई की तो यही हमें प्रूव करना था लिमिट एन ये आपकी राइट हैंड साइड है तो यहाँ पर प्रूफ यही करना था लिमिट एन अप्रोचेस टू तो इन्फिनिटी वन माइनस वन ओवर एन रेस टू तो पावर एन इज़ इक्वल टू ई तो ये बाइनोमियल सबसे पहले आपने यहाँ पे बाइनोमियल सीरीज लेनी है तो बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करने के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा तो ये है थ्योरम नेक्स्ट हम एक थ्योरम और है वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में सामकुम डर स्टूडेंट्स आज हम लिमिट्स पे एक और थ्योरम डिस्कस करते हैं थ्योरम है जी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो ए रेज टू पावर एक्स माइनस वन ओवर एक्स इज़ इक्वल टू लॉग विद बेस ई ए इज़ इक्वल टू लॉग नेचुरल ए यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं डियर स्टूडेंट्स ये जो थ्योरम है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये थ्योरम काफ़ी दफ़ा ये मुल्तान बोर्ड में भी आ चुका है ये गुजरा वाला बोर्ड में भी आ चुका है ये फैसलाबाद बोर्ड में भी आ चुका है और ये मुल्तान बोर्ड में टू टाइम्स आ चुका है तो यहाँ से ए रेज टू पावर एक्स माइनस वन ओवर एक्स अब जब हम इसमें x की जगह ज़ीरो पोट करेंगे तो ए रेज टू तो पावर जीरो वन वन माइनस वन, वन जीरो और इधर x की जगह ज़ीरो तो ये ज़ीरो ओवर जीरो फॉर्म आती है तो हम इसको प्रूफ करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स इसमें सब्सिटन करनी पड़ेगी और सबसे क्या करनी पड़ेगी ये जो न्यूमिरेटर है ना ए रेस टू तो पावर एक्स माइनस वन इसको हम वाई लेट कर लेते हैं जब वाई लेट करेंगे तो साफ ज़्यादा हमें एक्स की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी क्योंकि अब हम एक्स से निकल कर वाई में जा रहे हैं तो यहाँ से ए रेस टू पावर एक्स इज़ इक्वल टू वन प्लस वाई हम क्या करते हैं दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर देते हैं विद सेम बेस ए ए रेस टू पावर एक्स इज़ इक्वल टू लॉग ए इंटू वन प्लस वाई अब लॉग की प्रॉपर्टी है कि पावर साइड पे आ जाती है तो यहाँ से एक्स लॉग ए इज़ इक्वल टू लॉग ए इं टू वन प्लस वाई यहाँ से ये लॉग ए ए वन के इक्वल होता है तो यहाँ से एक्स बचेगा और एक्स की वैल्यू आ जाएगी लॉग ए इंटू वन प्लस वाई ये एक्स की वैल्यू आ गई तो एक्स की जगह आप ये रिप्लेस करेंगे और ए रेस टू तो पावर एक्स माइनस वन की जगह आप वाई रिप्लेस करेंगे और ये याद रखिएगा जब आप सब्सिट्यूशन करते हैं ना लिमिट के केस में तो जब वेरिएबल चेंज होगा तो लिमिट भी चेंज होगी तो पुरानी लिमिट थी एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जो आपके पास ये सब सिचुएशन की है आपने ए रेस टू पावर एक्स माइनस वन इज़ इक्वल टू वाई इसमें पुरानी लिमिट पुट करेंगे तो ए पुरानी लिमिट जीरो थी माइनस वन इज़ इक्वल टू वाई तो ए रेस टू पावर जीरो वन वन माइनस वन ज़ीरो ज़ीरो क्या है वाई की वैल्यू आ गई तो इट मीन्स जो नई लिमिट आएगी वो वाई अप्रोचेज़ टू ज़ीरो आएगी तो जहाँ पे एक्स अप्रोचेज़ टू जीरो है वहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे वाई अप्रोचेज़ टू जीरो अप्लाई करेंगे तो ये ख्याल करना है आपने अब देखिए ये सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पे रिप्लेस करते हैं तो लिमिट जहाँ पे एक्स अप्रोचेज़ टू तो जीरो है वहाँ पे वाई अप्रोचेज टू तो ज़ीरो ए डेज तो टू पावर एक्स माइनस वन इसकी जगह वाई ओवर एक्स इसकी जगह आ जाएगा लॉग ए वन प्लस वाई अब यहाँ से डी स्टूडेंट्स लिमिट वाई अप्रोचेज टू तो जीरो वन ओवर ये वाई नीचे आके वाई इनवर्स हो जाएगा और यहाँ पे लॉग ए इन टू वन प्लस वाई अब यहाँ से लिमिट y अप्रोच टू ज़ीरो वन ओवर ये y इनवर्स वन ओवर y हो जाएगा और लॉग ए इंटू वन प्लस वाई हो जाएगा अब यहाँ से लिमिट y अप्रोच टू जीरो अब log की प्रॉपर्टी है कि जिस चीज़ log के साइड पर वो पावर बन जाती है तो यहाँ से log a वन प्लस वाई रेज टू पावर वन ओवर वाई तो लिमिट की प्रॉपर्टी है कि लिमिट को जहाँ पे ले जाएं ये चली जाती है तो यहाँ पे लॉग ए एज़ इट इज़ और लिमिट यहाँ पे ले आए तो लिमिट वाई अप्रोचेस टू जीरो वन प्लस वाई रेस टू पावर वन ओवर वाई तो यहाँ से वन ओवर लॉग विद बेस ए और ये किसके इक्वल होता है तो डियर स्टूडेंट्स ये ई e के इक्वल होता है पीछे हम एक थ्योरम पढ़ के आए लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वन प्लस एन रेज टू पावर वन वन प्लस वन ओवर एन रेज टू पावर एन इज़ इक्ल टू ई एक ये होता है और इसी से डिडक्शन है लिमिट एन अप्रोचेस टू तो जीरो वन प्लस एन रेस टू तो पावर वन ओवर एन ये भी ई e के इक्वल होता है तो इसकी जगह ई रिप्लेस कर देंगे अब यहाँ से जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे तो यहाँ से लॉग ई ए, ए हो जाएगा तो ये देखें राइट हैंड साइड आ जाएगी और ऐसा लॉग जिसकी बेस ई हो उसको लॉग नेचुरल कहते हैं और ये ए और यही आपकी राइट हैंड साइड है तो डियर स्टूडेंट्स यही हमें प्रूव करना था लिमिट एक्स अप्रोच टू ए ज़ीरो ए रेज टू पावर एक्स माइनस वन ओवर एक्स इज़ इक्वल टू लॉग ई ए या इसको लिखते लॉग नेचुरल ए तो यही आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है ये एनुअल एग्जाम के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट है तो इसको आपने अच्छी तरह देखना है दो दफ़ा ये मुल्तान बोर्ड में आ चुका है दो दफ़ा ये गुजरा वाला बोर्ड में आ चुका है और ये साहिवाल बोर्ड और फैसलाबाद बोर्ड में भी ये लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है